नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की लिखी कहानी उस बार। सुबोध मसूरी में अपने मामा के यहाँ उस बार गर्मी बिताने गया था। मामा सगे ना थे, पर नाते की कमी भरकर अपने उदार स्नेहशील स्वभाव के कारण सगों से भी घनिष्ठ लगते थे। साधारण स्थिति से अपने ही परिश्रम के बल पर उठकर वे अच्छे संपन्न हो गए थे। उन्होंने मसूरी में अपना निज का सुंदर सा बंगला भी बनवा लिया था। जीवन यात्रा में सुख दुख ऊंच नीच पार कर चुकने पर एक सफल संपन्न पक अवस्था का लाभ मनुष्य में जिन गुणों का प्रादुर्भाव कर देता है वे उनमें पर्याप्त मात्रा में थे। वे उदार थे, मधुर थे, मिलनसार और स्वाभिमानी थे। उनके पुट्ठों और आगे बड़े वे सीने से अब भी युवापन टपकता था। वे नए विचारों से सहानुभूति रखते थे। मामा जी का अपना कोई व्यक्तित्व ना था, वह पति की छाया थी, जैसा कि अपने देश की नारियां प्रायः हुआ करती हैं। इसलिए घर के वातावरण में काफी संतोष और शांति व्याप्त रहती। ननिल उनका सबसे बड़ा लड़का था, सुबोध का ममेरा भाई, लंबा, हसमुख, फुर्तीला और कुशार्ग बुद्धि। उस साल प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए एमएससी फाइनल में सर्वप्रथम आया था। खेलने का सबसे बड़ा शौकीन, यूनिवर्सिटी में हॉकी फुटबॉल का कैप्टन रह चुका था। खिलाड़ीपन उसका स्वभाव ही बन गया था। नलिल का फुफेरा भाई गिरेंद्र भी उन दिनों वहीं था। उसने हाल ही में एलएलबी पास किया था और गर्मियों के बाद वकालत शुरू करने की सोच रहा था। नलिल और गिरेंद्र के यूनिवर्सिटी के और भी कई मित्र उस साल मसूरी आए हुए थे। सब प्राय नित्य ही आपस में मिला करते। सुबोध अनायास ही उनसे हिलमिल गया था और अपनी सरल सहनशील प्रकृति के कारण उसकी सबसे खासी मित्रता हो गई थी। यूनिवर्सिटी के लड़कों में जो एक स्वतंत्रता, पारस्परिकता, आत्मविश्वास, बेतकल्लुफी, गपशप, हास परिहास का वातावरण मिलता है, वह विचारशील सुबोध को अप्रिय ना था। उसके जीवन का काफी बड़ा भाग विद्यार्थियों के साथ बीता था, पर फिर भी वह जैसे उनसे पूर्णता परिचित ना था। भाव प्रवरण होने के कारण वह आत्मचिंतन में अधिक लीन रहता। परीक्षा के कठिन श्रम के बाद जी खोलकर छककर छुट्टियों का उपयोग करते हुए विद्यार्थियों के आमोद प्रमोद में जो थोड़ी बहुत उच्च श्रृंखलता स्वभावता रहती है वह सुबोध के किसी काम में ना थी। पर तटस्थ रहना उसे अच्छा ना लगता और निःसंग रहकर वह उनकी रंगरेलियों में भाग लेने का प्रयत्न करता। विद्यार्थियों की रंगरेलियों और परिहासों में पर्याप्त कदरियता और भद्दापन रहता है जिसे वे जानते हैं, परवाह नहीं करते। वह सूक्ष्म एवं सौंदर्य प्रिय सुबोध को कभी कभी उस भद्देपन को निगल जाने में भीतर ही भीतर कठिनाई मालूम देती थी। नलिन का मित्र सतीश एक लड़की के प्रेम पाश में था। उस लड़की के माँ बाप भी उस साल मसूरी आए हुए थे और सतीश के बंगले के सामने ही उन्होंने बंगला लिया था। सुबह शाम सतीश को अपनी खिड़की से लड़की के रूप की झलक मिलती रहती। वह सतीश के प्रेम से शायद थोड़ी बहुत परिचित थी। प्रेमियों की चेष्टाएं कम छिपती हैं, इससे कभी कभी खिड़की के मुख निकालकर सतीश को झांकी दे देती थी। विजया की चर्चा सतीश कम और अधिक मात्रा में अपने अंतरंग मित्रों से कर दिया करता। उसके मन में कुछ भी नहीं रहता। धीरे धीरे ये बात सभी साथियों में फैल गई और मित्र लोग भी टहलते समय विजया के कमरे के कुसुमित झरोके की ओर प्राय देख लिया करते थे। इस प्रणय चर्चा के कारण धीरे धीरे नलिन के यहाँ एक बैचलर्स क्लब की सृष्टि हो गई। प्राय सभी विवाहित लोग थे, सभी का उसे मनोरंजन होने लगा। एक दूसरे की शादी ठहराना, कौन किसकी प्रणयिनी है, इस रहस्य को ढूंढ निकालना, ऐसी ही बातों के लिए सब साथी उत्सुक रहते। सतीश की तरह गिरेंद्र, विलास, उपेंद्र, ननिल सबकी प्रेमिकाओं का धीरे धीरे पता लग गया। जिसकी कोई प्रेसी ना मिली
उसके लिए भी एक कहानी की प्रेमिका गढ़ दी गई। इसी प्रकार कुमारों के क्लब की मीटिंगों, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस के मैचों, सिनेमा, पिकनिक तथा सैर सपाटों में। गर्मियां प्रायः बीत गई, बरसात शुरू हो गई। मसूरी की घाटियां मखमल की हरियाली के उज्जवल चौड़े हास्य से भर गई। मित्रों में से बहुत से विद्यार्थी छुट्टियों की बाहर लूटकर प्रयाग, लखनऊ, बनारस पढ़ने चले गए। नलिन, गिरीन्द्र, सुबोध और सतीश वहां रह गए, सही, पर परस्पर का मिलना काफी कम हो गया। गिरीन्द्र वकालत शुरू करने की चिंता में पड़ गया कि किसी सीनियर के नीचे काम सीखे। सतीश, जो इस वर्ष लखनऊ से एमए, एलएलबी की डिग्रियां ले चुका था, मुंसिफी का इम्तिहान देने की सोचने लगा। ननिल आईसीएस की तैयारी कर ही रहा था। कभी कभी शाम को घूम फिर कर लौटने के बाद जब चारों मित्र सुबोध के कमरे में घंटे आध घंटे के लिए मिलते तो कुवारों की क्लब की सुप्त प्राय आत्मा फिर जाग जाती। एक रोज सतीश ने परिहास में विजया पर अपना प्रेमाधिकार सुबोध के नाम सौंप दिया और यह बात एक कॉपी में, जो नाम मात्र को बैचलर्स क्लब का रजिस्टर बना दी गई थी, लिख दी गई। तब से सुबोध के विवाह की चर्चा भी आपस में छिड़ने लगी। सुबोध उन तीनों मित्रों में से उम्र में 8-10 साल बड़ा था, इसीलिए संकोच ना मानते हुए भी ननिल और गिरिंद उसके ब्याह की चर्चा कम करते। यह मान लिया गया था कि सुबोध प्रकृति का कुवारा है, वैसा ही रहेगा। सुबोध की बातों और तटस्थ हाव भावों से उन्हें ऐसा विश्वास हो गया था कि वह किसी को प्यार नहीं करता, पर बात कुछ और ही थी। सतीश की तरह वह भी एक लड़की से प्यार करता था। प्रेम तत्वतः एक होते हुए भी भिन्न स्वभावों में भिन्न रूप से काम करता है। सतीश के लिए विजया का जो मूल्य था, वही मूल्य सुबोध के लिए सरला का होते हुए भी दोनों का प्रेम प्रदात भिन्न भिन्न तंतुओं का बना था। सतीश के प्रेम का प्रवाह शरीर से हृदय की ओर, सुबोध का हृदय से शरीर की ओर था। एक फ्रायड के सिद्धांतों का नमूना था, दूसरा प्लेटो के। यह नहीं कि एक प्रेमी था, दूसरा कामी मात्र। दोनों में आदर्श भेद था। सतीश प्रेम को विजया के लिए संचित रखते हुए भी अन्य स्त्रियों से शारीरिक स्वतंत्रता लेना बुरा नहीं समझता था। वह मनुष्यत्व और पशुत्व को तो अलग राहों से ले चलने का पक्षपाती था। सुबोध देह के संसर्ग को सच्चे प्रेम के अधीन रखना चाहता था। आत्मदान से ही उसका पशु मनुष्यत्व की पवित्रता पा सकता था। एक को आत्मत्याग द्वारा योग का अधिकारी बनना पसंद था, दूसरे को आत्मत्याग भोग के लिए केवल साधन मात्र था। दोनों की मानसिक स्थिति दोनों के लिए सत्य थी। विजया सांवले रंग की, गदबदे सुडोल अंगों की रूपसी से अधिक मोहिनी थी। उसकी उभरी छाती, पीनकटी प्रदेश सतीश के आनंद के दो संग्रहालय थे। उसके कोमल उरोज सत्वकों पर गाल रखकर प्रेम की विस्मृति का सुख लूटने के स्वप्न सतीश प्राय देखा करता। विजया अपनी चारित्रिक दृढ़ता के लिए मित्र वर्ग में प्रसिद्ध थी। वह स्थिर चित, प्रेम को अधिक गंभीर परिभाषा में विश्वास रखने वाली, प्रेम को एक सुव्यवस्थित, सम्मानित, गारहस्त का भाग, सर्वोज्ज्वल भाग मानने वाली शिक्षित लड़की थी। उसके मुख पर उसके मनोभावों की कांति थी। उसकी सखियों का कहना था कि सतीश का यौवन जन्य चांचल्य, दृष्टि, भाव, इंगित एवं अन्य चेष्टाओं से विजया को सदैव घेरे रहना, घूमने में उसका पीछा करना, जैसे वे प्रेमी युवक प्रारंभ से किया करता था, उसे पसंद ना था। उसे भले ही सतीश के उन्मुख प्रेम का तिरस्कार करना ना सुहाता हो, पर अपने विवाह का प्रश्न उसने अपने वयोवृद्ध दादा की ही रुचि पर छोड़ दिया था। उसके दादा उसके संस्कृत के शिक्षक थे, भारतीय प्रथा के पक्के पक्षपाती। अपने दादा के स्नेह के सहर्षों एहसानों से दबी विजया उनकी इच्छा को पीछे, अपनी इच्छा को आगे रखना उचित नहीं समझती थी। सतीश विजया की इस वृत्ति का कारण उसका हट या गर्व समझता था। वह अपने प्रति उसके मनोभावों को जानने के लिए उत्कंठित था। वह अपने को उसका प्रेम पाने के लिए सर्वथा योग्य समझता। वह सुरूप, सुशिक्षित, उम्र में उससे 4 साल बड़ा, उससे किसी बात में कम ना था। वह महत्वाकांक्षी,
अपने भविष्य के लिए यशकामी भी था। वह विजया पर विजय प्राप्त करना चाहता था। अपने विद्यार्थी जीवन में वह कई सहपाठिनियों की ओर आकर्षित हुआ था। प्राय सबने उसकी इस युवकोचित भावना को आदर की दृष्टि से देखा था। वह विजया की इस अनन्भूत विरक्ति को सहने में असमर्थ था। वास्तव में विजया ने अपने सौंदर्य और दृढ़ता से, जिसका सतीश में अभाव था, उसे अभिभूत एवं पराजित कर दिया था। वह उसका सामना पड़ते ही कर्तव्य विमूढ़ एवं अस्थिर हो उठता। अन्य युवतियों ने उसकी तरुण लालसा का सोतकंठ आवाहन कर जिस प्रकार उसके मन में सौंदर्य की पवित्रता एवं कौमार्य की दिव्यता के प्रति एक सस्ता वयस सुलभ प्राणी शास्त्र के भीतर से आका जाने वाला मूल्य निश्चित कर दिया था, विजया ने ठीक उसके विपरीत अपने सौंदर्य और कौमार्य को जीवन शास्त्र एवं मनोविज्ञान से ऊपर उठाकर सतीश की पूर्व धारणाओं को अस्त व्यस्त कर दिया था। इन सब दुर्बलताओं के वशीभूत होने पर भी सतीश अत्यंत आकपट हृदय का था। उसके मन में कोई बात नहीं रहती। वह दूसरों की सहानुभूति पाते ही पिघल उठता था। सहानुभूति का दिखावा कर उसके मित्र उसकी द्रवणशीलता का अपने मनोरंजन के लिए तरह तरह से दुरुपयोग करते थे। सुबोध आत्मचिंतन एवं अच्छे बुरे के विचार में पड़े रहने के कारण लोगों से कुछ खिंचा रहता था और किसी तरह अपनी रक्षा स्वयं कर लेता। सतीश दूसरों के सौजन्य के स्वांग के वशीभूत हो एकदम उससे घुल मिल जाता। वह अपनी सीमा गवा बैठता था। दूसरे की सीमाओं पर उसे अधिकार न मिलता था। इसीलिए वे जितनी जल्दी विश्वास कर लेता उतना ही जल्दी अविश्वास एवं शंका भी करने लगता था। वह मित्र लोगों का मनोरंजन था। मित्र लोग उसकी संचालन शक्तियों के समूह। सुबोध बाहर से बड़ा सीधा लगता था, पर वह सरलपन उसने अध्ययन मनन एवं विचार करने के बाद अपने लिए अर्जित कर लिया था। वह समझता सब था। सतीश की तरह सहज विश्वास के प्रवाह में बह नहीं जाता था, पर अत्यंत सहनशील होने पर वे समाज के विशद भविष्य में विश्वास रखने के कारण दूसरों की दुर्बलताओं से विचलित एवं व्यथित न होता था। मान अपमान हर्ष विषाद चुपचाप सह लेता था। दूसरों को केवल सीधा लगता था। सहज विश्वास का जीवन मानव समाज के पूर्ण विकास की ही स्थिति पर संभव हो सकता है। तब तक जनसमूह आत्म पर सीमाओं को रखने के लिए विवश है। हम सबको दोहरा होकर रहना पड़ता है। सतीश को अपने प्रेम के स्वर्ग का निर्माण करने के लिए विजया को प्राप्त करना आवश्यक हो गया था। वह उस पर अपना एकमात्र दावा समझता था। वहीं उसे अपनी अविचल दृढ़ता के आलिंगन पाश में घेरकर उसके सतत बहते हुए हृदय की पहाड़ों की कारा में बंधे हुए सरोवर की तरह रक्षा कर सकता था। विजया जितना ही खींचती वह उतना ही उसकी ओर ढुलक पड़ता। अपने उत्तेजित क्षणों में वे यहां तक कर बैठता कि विजया से शादी करने का जो अन्य युवक साहस करेगा उसका जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा। कभी कभी वे उसकी रुखाई से चिढ़कर उस पर कुड़ने भी लगता, उसे घृणा करने की कोशिश करता, उसके लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता, उसके सौंदर्य और चरित्र की अवहेलना करता और कुछ समय के लिए उसे मन से भुला देता। शोभ और खींच के वश वे अपने जीवन की हड्डी को हृदय से बाहर निकालकर अन्य युवकों की श्वानेच्छा के आंधी तूफान के बीच फेंक देना चाहता था। पर दूसरे ही क्षण उसका प्रेमोन्माद उसे पूर्णता वशीभूत कर लेता था। सरला और सुबोध की दूसरी ही कहानी थी। सरला सुबोध से 15 साल छोटी थी। वह गोरी अनति दीर्घ हसमुख चंचल श्वेत लीलियों की सुकुमार सृष्टि थी। कम से कम देह की सामग्री में जैसे आत्मा उतर आई हो। संसार बसाने के लिए कैसे साथी किन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, इन बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह सदैव के लिए स्वभाववश असमर्थ थी। वह केवल भाव की प्रेम की क्रीड़ा थी, खिलौना थी। वह सुबोध में लीन हो गई थी। उसके बिना अपने अस्तित्व की कल्पना करना उसके लिए असंभव था। वे जैसे सुबोध के प्रेम के समुद्र के बीच भाग्य की आंधी से उड़कर गिर पड़ी थी। उसी के भीतर ऊब डूब करना,
उसी की भावनाओं की लहरों में बहना उसका जीवन बन गया था। वह उस अकूल समुद्र के बाहर निकल ही नहीं सकती थी। यदि सुबोध स्वयं हाथ पकड़कर उसे किनारे लगाना भी चाहता तो वह उसे स्वीकार ही ना करती थी। सुबोध के प्रेम का समुद्र उसकी मुक्ति था। सरला चाहे अंदर जितना गहरा बैठे, सरला पूर्णतः स्वतंत्र है। सरला सबको प्यार करना, सबसे प्यार पाना चाहती थी। वे एक विशद सामाजिक सामूहिक व्यक्तित्व का उपभोग करना चाहती थी, जिसके लिए उसका चारों ओर से घिरा हुआ समाज अभी तैयार ना था। फलतः स्थिति ज्ञान से शून्य। जब जब वे अपने पांवों के पंख में गड़ जाने की आशंका से भयभीत होकर सुबोध के पास लौट आती, तब तब सुबोध अबोध सरला के पांवों को अपने अविराम सहज स्नेह की धारा से धोकर स्वच्छ कर देता। वह प्रेमी से भी अधिक उसका अभिभावक था। सरला अत्यंत श्रृंगार प्रिय और सौंदर्य प्रिय थी। किसमें कहां सौंदर्य छिपा है, उसे उसकी आंखें सबसे पहले ढूंढ निकालती थी। वे सबकी साथिन और सुबोध की प्रेमिका थी। सुबोध कलाकार था, प्रेम उसका जीवन था। जीवन की प्रत्येक विकासोन्मुख अवस्था का, उसके समस्त स्वरूपों का वह प्रेमी था। सबसे उसकी सहानुभूति थी। जिस वस्तु पर उसका प्रेम पड़ता वे स्वयं प्रेम में परिणत हो जाती। अपने ही प्रेम में वह सुरक्षित था। प्रेम उसकी आत्मा थी, मन था, शरीर था। अतः सुबोध सरला को प्यार करता था या नहीं, ये प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। सरला सुबोध को अनन्य हृदय से, अपने संपूर्ण अस्तित्व से प्यार करती थी। यही बात उन दोनों के संबंध में प्रधान थी। सुबोध प्रेम था तो सरला उसकी सार्थकता। फलतः सरला सार थी, रस थी। सुबोध उस प्रेम के मधुर फल का छिलका, जिसमें सरला की मधुरता और रस स्वयं आ गया था। सुबोध से भेंट होते ही सरला दूसरे ही क्षण उसमें मिल गई, उसमें गिर पड़ी। तब वे 12 साल की थी। सुबोध अनंत शून्य था। वे अजर शक्ति, वह निश्चल कूलों की सहिष्णुता, वह चंचल उद्वेलित जलधारा। दोनों कब मिल गए, कैसे मिल गए, दोनों इससे अनभिज्ञ थे। यह बात तब प्रकट हुई जब सरला की शादी की चर्चा छिड़ी। वह अब युवती हो चुकी थी, कॉलेज में पढ़ती थी। उसके पिता संपन्न थे, सुबोध से सभी बातों में योग्य, यूनिवर्सिटी की डिग्री के लिए स्वस्थ सुंदर समवयस्क धनी युवक उसके प्रेम के प्रार्थी हुए। उसके माँ बाप की हार्दिक इच्छा थी कि सरला इनमें से किसी एक को अपना मनोमीत साथी बनाए। सुबोध और सरला के प्रेम की बातों से उसके माँ बाप परिचित थे। वे उससे संतुष्ट ना थे। उस कोरी भावुकता को वे मूल्यहीन ना समझते थे। उसे सरला और सुबोध की दुर्बलता, अनुभव शून्यता और शायद इससे भी अधिक मानते थे, उनकी दुर्बुद्धि और दुखांत नाटक का सूत्रपात। पर फिर भी उन्हें सरला की वयस प्राप्त वृत्ति एवं सुबोध की सच्चाई और सौजन्य पर आंतरिक विश्वास था। वे जानते थे कि सरला सुबोध को इस विपत्ति से बचाएगा, उसके प्रेम का एवं उनके विश्वास का इस प्रकार दुरुपयोग नहीं करेगा, उससे अनुचित लाभ ना उठाएगा। यह बात ठीक भी थी। यदि केवल सुबोध की ही बुद्धि एवं आत्मसंयम पर यह बात निर्भर होती तो वे सरला को उसके माँ बाप के मनोनीति युवक के साथ स्वर्ण बंधन में बांधकर अपने कर्तव्य को चरितार्थ करता। वह अत्यंत सहिष्णु था और उसकी धारणा थी कि वह सरला के सुख के लिए भारी से भारी त्याग और कष्ट उठा सकता है। प्रेम और कर्तव्य, श्रेय और प्रेय की समस्याएं भी मानव जीवन की अन्य समस्याओं की तरह कभी ना सुलझने वाली समस्याओं में से है। सच तो यह है कि मानव जीवन न श्रेय और प्रेय के ज्ञान से चलता है, न श्रेय प्रेय के सामंजस्य से। चाहे प्रेम के लिए कर्तव्य की बलि कीजिए और कर्तव्य के लिए प्रेम की, मानव जीवन शायद किसी दूसरे ही सत्य से चलता है, पर वह इस कहानी का विषय नहीं। सरला और सुबोध का एक दूसरे को छोड़ देना उनकी शक्ति का परिचायक भी हो सकता था, उनकी दुर्बलता का भी। पर शक्त और निशक्त ये मनुष्य के विभाग या विशेषण हो सकते हैं, प्रेम के नहीं। प्रेम ना शक्त है ना अशक्त,
सुबोध के लिए सरला का त्याग कर देना कठिन न था, पर वह उसके वश में ना था, क्योंकि उस प्रेम का कोमल या कठोर, दुर्बल या सबर छोर था अबला, सबला सरला के हाथ में। वे सुबोध से विच्छिन्न होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। सुबोध की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं वयोगत सभी अवस्थाओं से वह पूर्णतः परिचित थी, पर उसका सुबोध तो इन सबसे परे केवल उसके प्रेम की निसीमता था। वह समय स्थिति से पीड़ित व्यक्ति नहीं, उसके प्रेम का अमर व्यक्तित्व था। सरला तो उसके साथ भोग की, सुख की कल्पना भी नहीं कर सकती। वह तो उसके लिए त्याग और दुख भोगना चाहती है। इसी में उसकी प्रेम प्रज्वलित आत्मा को तृप्ति मिलती थी। सुबोध के लिए मरना, मिटना, तड़पना, रोना, उसके लिए अपने को नष्ट कर देना, जो कुछ उसमें अपना रह गया है उसका विनाश कर देना चाहती थी। अरे, सुबोध तो सरला है, वही है। सरला को कोई प्यार करे, इस असंगत बात को तो वह सह ही नहीं सकती। दूसरे का प्रेम तो उसके लिए बोझ है, दुसह भार। वह तो स्वयं प्यार करना जानती है, अपने को देकर उसे मुक्ति का आनंद मिलता है। दूसरे का प्रेम पाकर बंधन की यातना, दूसरे के प्रेम की कल्पना को सार्थक करने के लिए अपने में प्रेमिका की दिव्यता की साधना करना उसके वश की बात नहीं। वह कैसी स्वतंत्र, क्रियात्मक, चंचल, प्रगतिशील है। वह तो स्वयं बहना, अविराम, अबोध रूप से बहना चाहती है। वह वेग है, दुस्सह वेग, सुबोध निहिसीम निस्तल आकर्षण। वह प्रेमिका है, सुबोध प्रेम। सरला हृदय है, उसके पिता विवेक। वे बुद्धिवादी नहीं, विवेकवादी हैं। सरला उन्हें आप्रदात, दुराग्रही, निर्बुद्धि लगती है, तो क्या आश्चर्य। सरला के पिता अच्छे बुरे का गणित जानते हैं, सरला प्रेम का गणित। वे इकाई से आगे कुछ देख ही नहीं सकती। उसकी वे इकाई है सुबोध। प्रबोध बाबू संसार को समझते हैं, सुख दुख, हानि लाभ, गुण दोष, परिणाम को सदैव सामने रखकर विचार करते हैं। वे सरला सुबोध पर अन्याय करना नहीं चाहते, उनसे सहानुभूति भी रखते हैं। उनके भी हृदय है, उनके कार्यों, विचारों में उसका उष्ण स्पंदन, कंपन स्पष्ट सुनने को मिलता है, पर प्रधानता ये सदैव विवेक को देते हैं। कर्तव्य विवेक का ओरस है, दुख सुख प्रेम के भाई बहन। सरला सुबोध से सहानुभूति रखते हुए भी प्रबोध बाबू उनसे संतुष्ट नहीं रहते थे। वह जानते थे कि सुबोध का सांसारिक मूल्य नहीं के बराबर है, और कोई मूल्य है या नहीं वे विचारणीय है, कहा नहीं जा सकता था। ऐसी हालत में सरला को जानबूझकर अंधे कुएं में गिरने देना कैसे बुद्धिमानी कही जा सकती है। उसमें पानी ना निकलता तो कन्या के भविष्य के लिए पितृहृदय शंका और स्नेह से भर उठता था। पर घर में दीप जलाकर प्रकाश का उपयोग करना एक बात, स्वयं दीप की तरह जलकर उठकर प्रकाश बन जाना दूसरी बात। प्रेम ज्वाला है, वे जिस पर पड़ता है उसी को भस्म कर ज्वाला में बदल देता है। वह प्रकाश पुत्र है, या प्रेम की सेवा कीजिए, या संसार से सेवा करवाइए, या स्वर्ग की सृष्टि कीजिए, या स्वर्ग का उपयोग कीजिए, या पतंगे की तरह अपना सर्वस्व स्वाहा कर असीम प्रकाश बन जाइए, या सुख, संपत्ति, संस्कृति और स्वर्ग में सीमित हो जाने वाले संसार की कामना कीजिए। एक मरणशील है, दूसरा अमर। एक सुख से दुख की ओर ले जाता है, दूसरा दुख से सुख की ओर। सूक्ष्मतः दोनों भिन्न भी हैं, अभिन्न भी। और दूसरी ओर है गिरेंद्र। गिरेंद्र किसी विशेष लड़की को प्यार नहीं करता था। वह वकालत जम जाने पर किसी सुंदर लड़की के साथ शादी करना चाहता था। उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह प्रेम में सतीश की तरह कभी आत्मविस्मृत नहीं हो सकता था। मानवात्मा के प्राय दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक प्रवृत्तियों के हाथ का खिलौना होता है, पर इससे हमारी कहानी का संपर्क नहीं। गिरिंद्र पहले रूप का द्योतक था, सतीश दूसरे रूप का। जीवन की आवश्यकताओं के लिए मार्ग मिल जाने पर गिरिंद्र के किसी सुंदरी के पक्ष में सीमित हो जाने की संभावना थी, पर सतीश प्रवृत्तियों के विषयों के बीच कूदकर, उनको थकाकर,
एवं उनके सम्मोहन से उठकर विशद जीवन में प्रवेश करना चाहता था। वह अपने स्वभाव से विवश था, संयम से काम चलाना नहीं जानता था। एक रोज कुवारों के क्लब में पास पड़ोस जान पहचान की लड़कियों को सौंदर्य प्रतियोगिता के अनुसार नंबर दिए गए। उस रोज गिरिंद्र ने अपने लिए नंबर 2 सुंदरी कन्या को चुना था। नंबर 1 कुछ बीमार रहती थी। उस पीढ़ी के कुमारों में नलिन की ऐसी ऐहिक स्थिति थी कि वह सर्वप्रथम था या द्वितीय कुमारी को अधिकृत कर सकता था। प्राय सभी कुमारियों के पिता नलिन के पिता से उनके पुत्र के प्रार्थी थे। दयाशंकर ने इसका भार नलिन की ही रुचि पर छोड़ रखा था। वह स्वयं पुत्र के ICS की परीक्षा समाप्त कर लेने तक उस पर विवाह के बारे में किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते थे। ननिल छिपे छिपे गीता को प्यार करता था। यद्यपि वे अपने प्रेम की बात किसी पर प्रकट होने नहीं देता था, वे गीता को छोड़कर और सभी संभव असंभव कुमारियों के प्रति अपना अनुराग मित्र वर्ग पर प्रकट करता रहता था और उनके सौंदर्य सम्मोहन एवं अपने प्रेम के बारे में छोटे मोटे कल्पित किस्से भी गढ़ लेता। इस प्रवृत्ति के 2 कारण थे, एक तो उसका खिलाड़ीपन, दूसरा अपने मित्रों में छैला अथवा डॉन जुआन की प्रसिद्धि पाने की इच्छा। पर मित्रवर्ग उसकी चारित्रिक दृढ़ता से अपरिचित ना थे, इसलिए उसकी इस युवकोचित लिप्सा पर हंस देते थे। डॉन जुआन की मूल भावना है शैतान के प्रति सहानुभूति या प्रेम। उसे कला लोकोत्तर भाववाचक सौंदर्य प्रदान कर चुकी है। नलिन चरित्र की आड़ में चरित्रहीनता का अभिनय कर अपनी चारित्रिकता का उपभोग करने के साथ साथ हमारे युवकों में प्रचलित आधुनिक छैलापन की वृत्ति को भी कुंठित नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारा बेकार ज्ञान संदिग्ध युवक समाज शिष्ट और शालीन कहलाए जाने में झेपता है। स्वयं दूसरों की प्रेमिकाओं के बारे में जानने की उत्कंठा नहीं तो इच्छा रखते हुए भी वे अपनी प्रेम कथा को अत्यंत सुरक्षित रखना चाहता था। उसका ये दोहरा भाव खटकता हो यह बात ना थी, क्योंकि उसके पीछे कोई बुरी भावना ना थी। मित्र वर्ग में प्रेमी प्रेमिकाओं के बारे में हास परिहास लगा ही रहता है। नलिन भी उसमें खूब दिलचस्पी लेता था, पर अपनी प्रेमिका को विनोद का केंद्र बनाना या अपने प्रेम अथवा अनुरक्ति की बात को दूसरों के मनोरंजन की सामग्री बना देना उसे परिहास के रंगों व्यंग वाणियों से सस्ते साधारण प्रकट और पक्व रूप में देखना वे नहीं सह सकता था। उसे संकोच भले ही ना होता हो, यह तो उसके युवक हृदय में प्रतिष्ठित उस प्रथम प्रेम की प्रतिमा कुमारी को जो पवित्रता दिव्यता रहस्य मधुरता सुकुमारता सौंदर्य चांदनी इंद्रधनुष स्वप्न उषा लहर बिजली सब की सार है, उसे एकदम जनसाधारण जिस पर चलते हैं उस राह को धूल में मिला देना, सामान्य प्रतिदिन के प्रकाश में खोल देना, उसकी अमूल्यता को मूल्यहीन बना देना हुआ। वह तो असामान्य है, अप्रतिम है। दाम्पत्य का मधुर गुह्य स्वर्ग जो अभी उसके लिए कल्पना मात्र था, पीछे वास्तविक होकर भी आधी कल्पना ही रहता है। नारी जो अज्ञ है, गुलाब की तरह सौंदर्य की तरह सदैव अज्ञ ही रहती है, जो रहस्य एवं कल्पना की बनी है, छूने पर भी छुई नहीं जा सकती, बाहुओं में बांध लेने पर भी बांधी नहीं जा सकती। वह सृष्टि में सबसे सारमया पूर्णतामयी नित्य नई प्रत्येक पल बदलती हुई नारी कुमारी प्रेमिका देवी परी प्रभांत संध्या वसंत शरद की सार्थकता संसार के जीवन के समस्त अभावों की पूर्ति उसका नाम उसका नाम उसका नाम भी है। वे रूप सी रूप वे नामवती अनाम है, अनिर्वचनीय है, रहस्य है। नहीं 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 नलिन, वे दोरा भाव ही अच्छा, उसका नाम नहीं लिया जा सकता। हाय रे नव युवक, यौवन की समस्त उद्दाम आशा आकांक्षाओं रक्तमास स्वप्न जागृति रोमांस कवित्व से निर्मित कुमारी कामनी वे परिहास प्रमोद गद्य प्रत्येक क्षण की वस्तु बनाई जा सकती है। इसके लिए और बहुत सी सामग्री संसार में है। नवयुवक की आंखों का सम्मोहन क्यों मिट्टी कर दिया जाए? दूसरों की प्रेमिकाओं की चर्चा हो वह उन्हें नहीं जानता, वह तो केवल एक मुख को जानता है,
एक मूर्ति को, एक सौंदर्य की देव बाला को। वही तो प्रेमिका है, प्रेम की वस्तु हो सकती है। दूसरी कुमारियों का परिहास होने ना होने का उसके मन में प्रश्न ही नहीं उठ सकता। वह प्रेमिका प्रणयनी हो ही नहीं सकती। ईश्वर ने ही उन्हें नहीं बनाया है, और किसी के आंखें नहीं, किसी को परख नहीं। आदर्श को वही पहचान सका, अपना सका। औरों पर वे दया करता है, तरस खाता है, उनसे सहानुभूति रखता है। पर समय बदलेगा, जब छरा और गदबदा शरीर, गोल और लंबा मुख, काले और भूरे बाल, नीली और काली आंखें, चंचल और गंभीर स्वभाव, मीठी और पतली आवाज, सभी का भेद, सभी तरह की नारियों का सौंदर्य रहस्य धीरे धीरे उसके हृदय में प्रस्फुटित हो सकेगा। और सबके भीतर समान रूप से उस आदर्श प्रेमिका के, अप्सरा के, देवी के दर्शन मिलेंगे। वह समय शायद उसके लिए अपनी प्रेमिका के प्रति सच्चे अनुराग को एकांत भाव से सजीव रखने, उसका प्रमाण देने का कठिन परीक्षा काल होगा। पर तब गार हस्ते का सत्य, उसके सुनहले बंधन, उसकी गौरव गरिमा नलील के तुलनात्मक विचारों एवं आवेगों को सीमित एवं केंद्रित करने में सहायक होंगे। गारहस्ते का रूप, अपने पराए का भाव मिट जाएगा, उसका सर्वव्यापक भाव जागृत हो उठेगा। तब मोह और ममत्व के छिलके के भीतर छिपे हुए प्रेम को अविराम लगन एवं आशक्ति के पंखों से घेर कर सेकना नहीं पड़ेगा। अंडे के बंधन खुल जाएंगे और उसके भीतर से जो जीवन का प्रेम मुक्त होकर बाहर निकलेगा, वे अपनी रक्षा करने में स्वयं समर्थ हो सकेगा। प्रसाद समाप्त हो जाने पर सुबोध मसूरी छोड़कर प्रयाग चला आया था। कुछ ही सप्ताह बाद उसे जो दो पत्र मिले, उनका सारांश कर्मशः नीचे दिया गया है। पहला पत्र। प्रिय सुबोध, मैं आजकल यहाँ हूँ। विजया से अब मेरा दिल हट गया है। उसका कारण यह है कि डैश अब मुझे स्पष्ट जान पड़ता है कि उस पर मेरा प्रेम ना था, केवल फैंसी थी। यहाँ आने पर मेरा जी बिल्कुल ही बदल गया। ये लड़की विजया से कहीं सुंदर है। इस थोड़े से समय में ही मेरी उससे गहरी मित्रता हो गई। सबसे बड़ी बात यह है कि वे वैसी सूखी और हटी नहीं। तुम्हारी क्या राय है, शीघ्र लिखना। तुम्हारा सतीश। दूसरा पत्र। प्रिय सुबोध दद्दा, तुम्हारे पत्र का उत्तर देने में विलम्ब हुआ, क्षमा करना। तुम्हारे चले जाने के बाद डैश उन लोगों का पिताजी पर बड़ा जोर पड़ रहा है कि इसी जाड़ों में शादी कर दी जाए। तुम्हें मेरी पसंद पसंद है। आशा है इस अवसर पर तुम अवश्य आवोगे। तुम्हारा नलिन। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।